हाय फ्रेंड्स, पहले कहा जाता था कि जेंट्स से उनकी सैलरी और लेडीज से उनकी एज कभी नहीं पूछनी चाहिए। ये बैड मैनर्स में आता था और ये दोनों टैबू वर्ड्स थे। और लेडीज़ तो कभी अपनी एज बताएंगी नहीं। और पहले लेडीज़ के बारे में ये जोक मशहूर था कि वो अपने एज से 5-7 साल घटा के और दूसरे की एज में जोड़ देती हैं। खैर, तो जोक था, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है विद चेंजिंग टाइम्स, विद द मॉडर्न टाइम। अभी मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया और मतलब हम लोग आपस में बातें करते रहते हैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे। तो उसने बात की तो उसने कहा कि पुणे में रहती है, तो उसने मेरे से बोला कि मम्मी आज डिनर पार्टी में जा रहे हैं हम लोग, एक क्लब में एक लेडी का 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। वैसे बेटो 50th बर्थडे, उसे बता दिया कि मैं 50 ईयर्स की हो गई हूँ? कहती हाँ मम्मी, आज के लिए नया ट्रेंड है, अभी किसी लेडी ने 45th भी किया, एक ने 40th किया, तो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स दे आर सेलिब्रेटिंग इट। तो मैंने कहा दैट्स अ माइल स्टोन है यार, फॉर 5 5 ईयर्स दैट्स वेरी गुड। और मैंने कहा वो करना भी चाहिए, मुझे भी अब लगा कि करना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रेसफुल लाइफ में जिसमें इतना पॉल्यूशन भी है, एटमॉस्फेयर में इतना पॉल्यूशन है, एडल्ट्रेटेड फूड है, वरीज हैं बच्चों की, घर की, अपने करियर की, लोगों को, मतलब उसके बाद भी अगर कोई लेडी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है आफ्टर एवरी 5th ईयर, और तो दैट्स ग्रेट, और करना भी चाहिए क्योंकि वो रिमार्कबल फीट है उसके लिए। क्योंकि तो मुझे लगा कि सभी को करना चाहिए, और लेकिन हाँ, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग कर सकते हैं, आई थिंक ये दैट्स अ वेलकम आइडिया, क्योंकि एवरी 5th ईयर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पता चले कि आप कितने इतने सालों के बाद भी आप कितने खुश हैं, कितने अच्छे तरह से अपने को मेंटेन रखा है, और कितने अच्छे से लेडीज़ अपने आप को इंजॉय करती हैं आपस में मिलके। तो यही है, और जेंट्स मेरे भी ये एज का फैक्टर जो है बड़ा बेकार होता है। अभी कुछ समय पहले मेरी छोटी बहन है, उसके बेटे की शादी थी, तो मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो डॉक्टर है US में, वो आई थी शादी के लिए, तो हम दोनों बातें कर रहे थे। तो वो मेरे से करीब 18 19 ईयर्स छोटी है, जब वो पैदा हुई थी दैट टाइम आज 18 19 ईयर्स ओल्ड। तो तब तक तो वहाँ एक लेडी आ गई, वो डिफेंस कॉलोनी की है, मेरी फ्रेंड है, तो आई वो कहने की मेरी सिस्टर की तभी शायद अभी कौन है। मैंने कहा कि मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, तो उसको लगा कि तो बहुत छोटी है, तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मेरे से 18 19 ईयर्स छोटी है ये, जब उस वक्त पैदा हुई जब मैं, तो उसे इमिडिएटली तपाक से उसने मेरी सिस्टर से बोला, पूछा कि व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। तो उसने बेचारे ने उसने बता दिया उसने डेट ऑफ बर्थ अपनी, फिर उसके बाद वो चली गई। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी देखो ना कैसी है वो लेडी, उसने वैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी। मैंने कहा बेटे, उसने तेरे से तेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, उसने मेरी एज गेस करने के लिए तेरे से तेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, कि उसको मैंने बताया था कि वो जब 18 19 ईयर्स की जब मैं थी तब तू पैदा हुई थी। ओ, तो ये हालत है, लेडीज़ जो है दे वेरी क्यूरियस दूसरे की एज पता करने, अपनी एज छुपा के रखेंगे लेकिन दूसरे की एज का कहीं से भी पता करना। और देखिए कितना इंटेलिजेंट मूव था, आप सोचो उस लेडी की इंटेलिजेंस कितने ताजुब होगा सबको। और क्या कहें, बस यही है, हमें अपना एज जो है सेलिब्रेट करनी चाहिए, हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए सभी को, क्योंकि एक हमें बोनस मतलब समझ लीजिए, हर चीज़ आफ्टर 60th तो बोनस होता है मुझे लगता है, और 70th तो मुझे लगता है कि अनसर्टेन सा लगने लगता है हर चीज़, कि क्या पता कितना रहे, मतलब फिक्र हो जाती है ना कि प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो। तो ठीक है, हम लोग सबके सब अपने सेलिब्रेट करें अपना बर्थडे, अपनी सब कुछ। तो थैंक यू सो मच।